धर्मशाला में लगी आग से महिला की जिंदा जलने से मौत। जंगल की आग बुझाते दम घुटने से युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर गांव में शुक्रवार को एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग से घर और पशुशाला राख हो गई। वहीं ऊना जिले के बंगाना उपमंडल के घुंगन कला ककराना में जंगल में लगी आग को बुझाते हुए एक युवक की धुएं में दम घुटने से जान चली गई। बिलासपुर के विजयपुर गांव के नवरातु राम उसकी पत्नी निर्मला देवी अपने घर के पास खेतों में काम कर रहे थे। शाम 7 बजे मकान और गौशाला से धुआं उठने लगा तो दोनों घर की ओर दौड़े। नवरातु पानी लाने गया जबकि निर्मला घर के साथ बनी गौशाला से पशुओं को बाहर निकालने गई। ने दी राहत। एपील उपभोक्ताओं को इस माह 2 से 5 रुपए सस्ती मिलेगी 3 दालें। हिमाचल प्रदेश के 19.50 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में इस माह 3 दालें मलका चना उड़द 1 से 5 रुपए तक सस्ती मिलेगी जबकि मूंग दाल के दाम 2 रुपए बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को इस माह मलका दाल 4 रुपए सस्ती मिलेगी। चना दाल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 2 रुपए, गरीबी रेखा से नीचे को 4 रुपए और करदाताओं को 5 रुपए सस्ती मिलेगी। उड़द दाल के दाम 1 रुपए कम हुए हैं जबकि मूंग दाल के दाम सभी वर्गों 2 रुपए बढ़े हैं। टेंडर प्रक्रिया के बाद 3 दालों के मूल्यों में से 1 से लेकर 5 रुपए तक कमी आई है। परीक्षा में 80% परिणाम देने वाले शिक्षकों को मिलेगी विशेष वेतन वृद्धि। हिमाचल प्रदेश की बोर्ड कक्षाओं में 80 से 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को विशेष वेतन वृद्धि मिलेगी। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। 3री, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। बोर्ड कक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने वाले शिक्षकों को अधिक वित्तीय लाभ देने की तैयारी शुरू की गई है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। कोरोना संकट से पहले शिक्षा विभाग की ओर से बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को विशेष इंक्रीमेंट देना शुरू किया था। अगस्त से हिमाचल में नहीं हो सकेगी शराब की तस्करी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में अगस्त से शराब की तस्करी नहीं हो सकेगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शराब की ट्रैक एंड ट्रेसिंग के हार्डवेयर की खरीद को मंजूरी दे दी है। शराब कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों में 1.5 माह के भीतर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य उपकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शराब की बोतलों को स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। शुक्रवार को राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से L1 कंपनी का चयन कर दिया गया है।